तो कैसे अगर आपका भी YouTube चैनल है एंड अभी तक आपने अपने YouTube चैनल पे टू स्टेप वेरिफिकेशन होता है वो अभी तक इनेबल नहीं किया, तो आपको बता दूं आज इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाला हूं। तो छोटा सा प्रोसेस है, आप अपने YouTube चैनल पे टू स्टेप वेरिफिकेशन कैसे इनेबल कर सकते हो। आपको पता होगा अभी हाल ही में YouTube का न्यू अपडेट आया था एंड उसके अंदर बताया गया कि अगर आप अपने YouTube चैनल के अंदर टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल नहीं करोगे तो आपका यूट्यूब चैनल जो मोनेटाइजेशन आप नहीं कर सकते। राइट, एंड साथ में आपको बता दूं अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पे टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल कर देते तो आपका जब भी चैनल को हैक करेगा हैकर तो आपके पास जल्दी से मैसेज आएगा एंड मैसेज आने से आपको पता चलेगा कि आपका हैक भी हो रहा चैनल। राइट, तो आपको जो टू स्टेप वेरिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी। राइट, तो वीडियो को एंड तक देखते रहें एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को भी देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो पसंद आए वीडियो कर दो लाइक। चलो वीडियो करते स्टार्ट। तो गाइस आपको अपने चैनल को ओपन करने के बाद में आपको आ जाना मोनेटाइजेशन सेक्शन पे। राइट, एंड आने के बाद में यहाँ पे आपको नीचे दिखाई देगा टू स्टेप वेरिफिकेशन। राइट, अगर आपके यहाँ पे शो नहीं करता तो आपको क्या करना है, आपको जो अपने चैनल पे जाना है यानी यहाँ पे लोगों पे क्लिक करोगे, लोगों पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है माई योर गूगल अकाउंट का। राइट, मैनेज योर गूगल अकाउंट, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना एंड क्लिक करने के बाद में इसके अंदर आपको सिक्योरिटी पे आपको क्लिक कर देना है फोर्थ नंबर पे एंड क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत नीचे आ जाना है। आने के बाद में यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ साइड में लिखा हुआ। राइट, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ से स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं पहले वाले पे लेके जाता हूँ एंड यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे टर्न ऑन पे क्लिक कर देना। राइट, एंड क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में यह आपको जो लोडिंग होके दूसरे पेज पे आपको लेके जाएगा। राइट, तो यहाँ पे देख सकते हो ये दूसरे पेज पे हम आ गए। राइट, एंड आने के बाद में सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी होती है उसके जो आपको पासवर्ड डाल दें एंड पासवर्ड डालने के बाद में यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। राइट, एंड आपके जो ईमेल आईडी उसी चैनल से बनी हुई वो आपकी ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर देना। राइट, यहाँ पे आप थोड़ा बहुत नीचे होंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ शो मोर ऑप्शन। राइट, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना एंड क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आएगा सिक्योरिटी की एंड टेक्स्ट मैसेज एंड वॉइस कॉल। राइट, तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपको क्लिक कर देना टेक्स्ट मैसेज एंड वॉइस कॉल पे एंड क्लिक करने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने मोबाइल नंबर डाल देना। राइट, तो अगर आप कोई भी नंबर सिम कार्ड के डालते हो तो वो आपके है जो अपनी सिम होती है वो है जो परमानेंट सिम हो उसी के नंबर आप डालना, जिससे क्या होगा अगर आपका चैनल कभी भी हैक होगा उसी सिम पे आपका मैसेज आएगा। राइट, तो आप वहाँ से पता कर सकते हो कि आपका चैनल हैक हो रहा है। राइट, एंड बाद में आप अपने चैनल को रिकवर भी कर सकते हो अगर आपका वही नंबर इनेबल होगा तो। राइट, आपके जो टू स्टेप वेरिफिकेशन कौन से नंबर पे करना है वो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना एंड डालने के बाद में यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज पे आपको क्लिक करके रखना एंड यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक। राइट, एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको एंटर कोड आएगी वेरिफिकेशन कोड वो यहाँ पे आपको अपने डाल देना है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से ये डाल देता हूँ। एंड डालने के बाद में यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आगे लेके जाएगा एंड थर्ड नंबर लास्ट यानी कि सबसे लास्ट यहाँ पे टर्न ऑन पे आपको क्लिक कर देना। तो आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन था वो है जब आपके चैनल पे जो ऑन हो गया। राइट, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिक राइट का ऑप्शन भी आ गया टू स्टेप वेरिफिकेशन पे। राइट,